दिन है शुक्रवार का और जो आज की पटीक है वो है जंगल की और काफ़ी घने जंगल की। और वैसे मैं जब भी जंगल में जाता हूँ तो द मेन काइंड ऑफ शॉट्स आर आई एम फॉर ज़्यादातर होते हैं क्लोजअप्स होते हैं, थोड़े ऐसे मैक्रो टाइप शॉट्स होते हैं। मैक्रो लेंस तो नहीं है लेकिन हाँ 18-55 को थोड़ा रिवर्सिंग पे करके कर सकते हैं और दूसरा 50 mm है 1.8 पे, मतलब काफ़ी क्लोज हो जाता है। दैट इज़ दैट एंड नाउ वी गोना लीव। तो अभी घर से हम निकल चुके हैं और आज किस्मत अच्छी है, आज किसी के साथ गाड़ी में कहीं तक जहाँ तक रोड जाता है जा रहे हैं, फिर वहाँ से जंगल में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिर प्रिंसेस एज यू कैन सी आई गॉट माय नर्व्स पियर्स्ड एंड नाउ इट वोंट स्टॉप रनिंग, आई एम किडिंग। ऐसे पसाई थी, दिस लुक्स लेम। चलिए तो लाइक आई सेड फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो इट्स गोना बी बंच ऑफ वुडलैंड स्टफ, लेकिन जंगल के बीच में थोड़ा वुडलैंड काफ़ी औखा हो जाता है। तो आई एम स्टिल रूटिंग फॉर द क्लोजअप्स एंड द मैक्रो शॉट्स, बाकी वट एवर द सिचुएशन विल थ्रो एट अस विल ट्राई टू टैकल इट ऑनवर्ड्स। We just reached here. थोड़ा गांव से, जिस गांव से जंगल में एंटर करते हैं वहाँ से थोड़ा पीछे है, आधे घंटे की खेड़ा, फिर इसके बाद से जंगल एंटर कर जाएंगे। फिर उसके बाद तांत्रा शुरू करते हैं फ़ोटो फोटो खींचने का। फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा धूप सेकेंगे। कितने हेड पाउंड है इस टाइम? 8.5, 9, 10 तो नहीं है, कम से कम 8.5 हज़ार की फीट पे हाइट पे। मतलब जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था गोल्डनू का, जहाँ पे मैं जो बारिश वाला था, एक्चुअली वहीं से बस थोड़ा आगे है ये, 10-15 मिनट का रास्ता है बस। आज यहाँ से थोड़ा आगे जंगल में जाएंगे, बस उतना ही है। फोटो खींच दो, थैंक यू। मैं बस अपने पहले एक दो शॉट्स ट्राई कर रहा था उस साइड पे जो जंगल है, मतलब आधे से नियरली 80% जो एरिया है वो सारा ऐसा भी शेडो में है, लेकिन जो थोड़ा 20% है ट्री के टॉप से उसमें भी धूप पड़ रही है। तो आई वाज जस्ट टेकिंग सम, क्या बोलते हैं उसको, वार्म अप कह लो इसे, या फिर थोड़े प्रैक्टिस शॉट्स। सी दैट हाउस इन द बैकग्राउंड। मैं यहाँ वैसे इस जगह पे मैं काफ़ी 3-4 बार आ चुका हूँ। मोस्टली मैं हमेशा जंगल ही एंटर करता हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट। और ये घर एक्चुअली इससे पहले भी एक बार मैं इसका एक शॉट ले चुका हूँ, दैट वाज बैक इन द आई गेस मॉनसूनस थे उस टाइम पे, तो काफ़ी एकदम कोल्ड सा एनवायरनमेंट था, तो उस टाइम पर मैंने ये शॉट किया था यहाँ पर। मतलब काफ़ी इंट्रीजिंग सा लगा था मेरे को, वर्टिकल कॉम्पोजिशन थी। यू कैन सी दैट शॉट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और फिलहाल अभी एक और ट्राई किया, लेकिन इस टाइम पे है जो काफ़ी सनी है, स्काई इज़ ब्लू है। बट द गुड थिंग इसके जो वो घर है, जो उसकी विंडो पेन्स है, वो लाल है, तो आई थिंक दैट इज़ स्ट्राइकिंग आउट। तो मैं अभी 50 mm से 18 पे जाऊंगा, उस पर शायद काफ़ी थोड़ा वाइड आए और एक कॉम्पोजिशन से थोड़ी बिल्ड हो, लेकिन 18 से 50 mm पे क्योंकि सब कुछ काफ़ी नैरो है इस वक्त, तो लेंस चेंज करते हैं। मैंने कुछ शॉट्स अभी 18-55 पे ट्राई किए, काफ़ी थोड़ा वाइड सा था और आई थिंक आई एम क्वाइट डिगिंग इट एंड क्वाइट हैप्पी विद द फर्स्ट टू शॉट्स। और इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पर्सन जिनकी गाड़ी है। सो एज यू कैन टेल फ्रॉम द बैकग्राउंड, मैं जंगल में आ चुका हूँ। आई कैन प्रीटी मच से दीज आर माई लोकल वुड्स, लेकिन बाय रोड
आई गेस आधा घंटा लगता है रोड में, और इफ़ आई हैव टू हाइक तो लगा 2 घंटा नॉन स्टॉप, एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट ऑफ अ हाइक, काफ़ी आसान है। सादिक पादिक, सो ये नहीं है मैं ये बोल रही हूँ, सो नो कट 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 सो नो कट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा डेंस ऑफ फॉरेस्ट है, तो उसके बीच में धूप छोटे छोटे पोर्शन में धूप एंटर करती है यहाँ पे, तो वो कहीं मतलब किसी भी एक टहने पे पड़ रही होगी धूप है, लेकिन ये किसी पूरे पेड़ पे नहीं पड़ रही होती, तो इसका फ़ायदा है ये जो सब्जेक्ट है ये जस्ट स्टैंड्स आउट। मूविंग ऑनवर्ड्स, तो जंगल में हम बीच में कहीं एक थोड़ा वाइड ओपन से एरिया यहाँ पे पहुँच गए, और एक्चुअली यहाँ पे कुछ फर्न है, यहीं पे ऊपर कुछ फर्न है जिसमें एकदम येलो ऑरेंज है, मतलब काफ़ी अच्छे शेड्स है कलर के। सो आई वाज थिंकिंग के थोड़े इसके क्लोज अप वगैरह लेते हैं, दिस मेक अप फॉर अ रियली ब्यूटीफुल शॉट्स लाइक वी हैव दिस वन इन फ्रंट ऑफ अस। इसका मैं एक हॉरिजॉन्टल में लूँगा, जस्ट इनफ टू फिल द फ्रेम। ओके दैट काइंड ऑफ वर्क्स। व्हाट एल्स डू वी हैव? ओके दीज ड्राइड अप फर्न्स, वी गॉट दिस लीव ओवर हियर। Oh, are we gonna place it just the way it was? Okay. आपने ये लोग ये चीज़ नहीं देखी, ठीक है, थोड़ा टॉप डाउन शॉट, अगेन हॉरिजॉन्टल। सो माई एम फॉर दीज इज कि मैं इनको थोड़ा एकदम डार्क मूडी टाइप रखना चाहता हूँ, और क्या है, और धूप कहाँ पड़ रही है, धूप तो नहीं पड़ रही है, और नहीं अगर मैं यहाँ से शॉट लूँ, पर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है कुछ और, तू जा ऐसा करना आगे जा। सो आई जस्ट सेंड माय ब्रदर अप फ्रंट, थोड़ा बीच में थोड़ा वाइड ओपन से एरिया है, साइड पे पेड़ है और हमारे नीचे थोड़े कलर्स हैं। मैंने कुछ शॉट्स लिए इस वक्त, काफ़ी जो ये वाइड ओपन एरिया है, एज यू कैन सी इन द बैकड्रॉप यहाँ पे ऊपर काफ़ी खुला है, और यहाँ पे एकदम बहुत ही सही से धूप पड़ रही है, तो जो ये ओक ट्री है इसका एक पोर्शन है जिसपे मतलब काफ़ी अच्छी धूप पड़ रही है, सो आई टुक अ हॉरिजॉन्टल शॉट। इट लुक क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन, लेकिन लैपटॉप पे कैसा होगा, आई नो आई एम टॉकिंग लाइक एन ऊब राइट नाउ, बट स्टिल इट्स इंटरेस्टिंग। और जंगल काफ़ी अच्छा है ऑनेस्टली। तो जस्ट चेक दिस लोकेशन आउट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनरिचिंग से कलर्स है, ये जो ब्राउन येलोज है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने भाई को कहीं पे बीच में प्लेस कर दूंगा एज ए सब्जेक्ट, और फिर थोड़ा पोर्ट्रेट शूट करते हैं। आई गॉट द निफ्टी 50 इन माई बैग, जस्ट स्विच द लेंसेज और फिर कुछ फोटोज़ खींचते हैं, लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स टर्न्स आउट टू बी, आई विल सी यू इन अ बिट।
जंगल से निकल आए हम बाहर, आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। बाय यहाँ आई मीन यू नो दिस प्लेस फ्रॉम द लास्ट वीडियो, यू सीन इट और यू नॉट देन यू डोंट। ये हमारा गोलू, यू माइट वांट टू सी दिस। तो ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट बोल लो। तो अगर यहाँ से छलांग मारते हो तो चांसेस है, वैसे खड्ड में तो नहीं पहुँचोगे लेकिन एयर टाइम काफ़ी सही होगा, 5 सेकंड 6 सेकंड का। ये पत्थर में फेंक नहीं सकता, नीचे लोग हैं। यप, भेड़ बकरियों के साथ है, लेकिन चिल करने के लिए जगह अच्छी। बट क्योंकि मेरे भाई को ऑल्टोफोबिया है, तो मैं लास्ट टाइम जहाँ झोपड़ी में बैठ के चाय पी रहा था, अभी उसी झोपड़ी में बैठ के चाय पीऊँगा। हमारी चाय ब्रेक होगी ख़त्म। तो हमने काफ़ी बैठकर बातें कर सोच विचार किया कि अब घर की ओर ही चलते हैं। नियरली 45 मिनट्स लगेंगे यहाँ से घर पहुँचने में, बाकी उसके बाद करते हैं कुछ फ़ोटोज़ जरिए अपना, देखते हैं आज का जो फ़ोटोज़ थी आउटकम मतलब क्या रहा, कितनी फ़ोटोज़ उसमें देखने लायक है, कितनी मतलब है उसमें, कुछ वर्थ वाइल था जो हम इतना जंगल में गए फ़ोटोज़ खींची। तो बाय द वे मैंने तो अभी तक नहीं देखी, बट ऑब्वियसली यू गाइस हैव सीन इट इन द वीडियो। सो अगर आपको कोई फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी लगी और यू लाइक द वीडियो और समथिंग कुछ भी अच्छा लगा हो, और यू हैव एनी सजेशंस और समथिंग कुछ भी है, तो जस्ट लीव योर कमेंट डाउन बिलो, हिट द लाइक बटन आल्सो, एंड इफ यू न्यू हियर देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक्स अ लॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन व्हिच विल बी ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।